फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं उड़न खटोला का जो मतलब रोपवे का जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे, और क्या खूबसूरत नज़ारा है। कारण उड़न खटोला ना बहुत देर से बंद है बच्चा। बंद तो नहीं है, पता नहीं मुझे क्या है, पर नहीं चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, रुका था। प्रॉब्लम ये है कि आधा रास्ता दिख रहा है, आधे रास्ते के बाद बादल है, और ये दोनों डरे पड़े, ये दोनों जाने नहीं वाले। दिल बैठा जा रहा है, बहुत डर। लेट मी शो यू कितना अमेजिंग लग रहा है। ₹633 की टिकट है, तो ऑड नंबर है। हाँ, और कुछ मतलब वो टैक्स के साथ होगी ना, इसलिए आई थिंक 600 की टिकट होगी। और सेल्फी स्टिक है वो मना कर रहे हैं लेके जाने के लिए, क्योंकि सब लोग सेल्फी स्टिक बाहर निकाल कर सिर्फ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करते हैं, इसलिए इसलिए सेल्फी स्टिक। की हालत खराब होते हुए मम्मी तो आंखें बंद करके बैठी है। उड़ जाओ, ये नजारे का मजा लो, देखो कितना मस्त है यार। मकर बैठ नीचे, ये देखो जो सबसे अच्छा है वो यही है, यहाँ से जो बादल शुरू हो गए ना, अब जबरदस्त है यार ये पॉइंट। अभी ये टोटल कुछ 7.5 मिनट का टाइम लगता है, और अभी फॉर्चुनेटली हम लोग मतलब मंडे आए तो तीन ही लोग हैं पूरी में, और काफ़ी अच्छा है। एज यू कैन सी बहुत ही क्लीन है ट्रॉली, और बहुत ही सेफ है, और ऑटोमेटिक भी है, तो जिन जिन को मम्मी और अंजलि की तरह डर लगता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा है, सेफ है, काफ़ी सेफ ही होता है, और नज़ारा पा रहा है। पूरा चारों तरफ फॉग ही फॉग है, बहुत ही मस्त है। मुझे पता भी नहीं चल रहा कि चल रहा है कि रुका हुआ है। हाँ चल रहा है, रुका हुआ पता नहीं चल रहा है, शायद ये रुका हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है अभी। और यहाँ पे जब बाजू में से कोई निकलता है ना, बहुत मस्त लगता है यार, दिस इज टू गुड। कैसा लग रहा है आपको? कुछ बोलने की इच्छा नहीं कर रही है, बहुत डरे हुए हैं। यदि आप बहुत हिम्मत वाले हैं तो चढ़ना रोपवे में, नहीं तो बैठे रहना। बहुत मस्त है यार, जस्ट लुक एट दिस। नहीं तो सीढ़ियां, मतलब देख नहीं रहा, सीढ़ियां चढ़ के आना, नहीं तो अगर आप नहीं बैठ सकते। अंजलि दो शब्द, व्हाट डू यू थिंक? मैं तो भाई चल के आऊंगी नीचे, जा तो चल गया मेरा, अरे मजा आ रहा है। तू अकेले आ गया सिर्फ, मैं चल के आया। मैं उसको बोलूं तीन टिकट है मेरे पास, तीन बार ऊपर नीचे रुक कर लेना मेरे पास। और मतलब भी ना जब चलते तो पता ही नहीं चल रहा है कि कान पूरे बंद हो गए हैं हमारे, और ना भगवान के भजन बज रहे हैं ताकि लोग डरे नहीं, और भगवान के भजन भी ऊपर जाके समझ नहीं आते। As you can see ये पूरा फॉग मौसम है, और अभी जो बंदे ने मैं नीचे उतारे वो बोल रहा है कि मौसम ख़राब हो सकता है, होने के चांसेस है, तो रोपवे भी बंद हो सकता है, तो अगर आपको रोपवे में रिटर्न जाना है प्लीज़ मेक श्योर कि आप जल्दी नीचे आ जाए दर्शन करके। बहुत ही ऑसम वेदर है, जस्ट लुक एट इट। ये रोपवे का स्टेशन है लास्ट, यहाँ तक रोपवे है, ये ऊपर अंबाजी का मंदिर है, और जो लास्ट मंदिर है दत्तात्रेय का वो यहाँ से 2200 2300 सीढ़ी और है, मतलब स्टेयर्स और आपको चढ़ के जाना है, वहाँ तक रोपवे नहीं जाता,
तो अभी हम लोग सोच रहे हैं क्योंकि ये लोग बोल रहे कि मौसम और ख़राब हो गया, एज यू कैन सी यहाँ पीछे कुछ दिख ही नहीं रहा, तो मौसम और ख़राब हो गया तो फिर रोप वे बंद हो जाएगा, तो हमें जितनी भी सीढ़ियाँ सारी नीचे उतर के जानी पड़ेगी। यहाँ आपसे जैसे लोग आपको दिखाई दे रहे नीचे उतर के जा रहे ऐसे पूरी सीढ़ियाँ नीचे उतर के जानी पड़ेगी। लेट्स सी यहाँ पे दर्शन करते हैं क्योंकि हमारा मन तो बहुत है दत्तात्रेय जाने का, अगर थोड़ा वेदर क्लियर हो जाता है तो जाएंगे। चलना है ऊपर चल के या नहीं चलना है मम्मी? चलते हैं। आपको डोली में बैठ के जाना है? डंडा लेके नहीं नहीं मम्मी चल लेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, चल लेंगे। तो पूरे 2200-2500 स्टेप चढ़ने ट्राई करके। जय माता दी। मैं जाके आ चुकी हूँ पहले, बट अभी मेरी उम्र हो गई एक्चुअली। तेरी उम्र तो हो चुकी है। जय माता की। चलो तो हमने ऐसी लकड़ियाँ ले ली है तीन, हमारा सहारा कोई बनना चाहिए। अब यहाँ पे ना दो मंदिर है ऊपर, एक दत्तात्रेय है जिसे गुरु शिखर भी बोलते हैं, और एक गोरखनाथ जी का मंदिर है, और एक कोई पता नहीं कुछ, और तीसरा क्या था, हाँ, और एक बीच में आश्रम भी है। तो अभी तो ऐसा लग रहा है गोरखनाथ के मंदिर तक जाएंगे, दत्तात्रेय देखते हैं डब्ल्यू शेप में, तो नीचे उतर के फिर दूसरी जगह जाना। मम्मी की सांस चढ़ गई, देखा अभी से सांस चढ़ गई, इनको बड़ा ऊपर जाना है। और बाय द वे जो गिरेगा भाई साहब, जो गोरखनाथ का मंदिर है वो कुछ 800-1000 सीढ़ियाँ, और वहाँ से नीचे उतर के दूसरी तरफ डब्ल्यू शेप में दो पहाड़ है उसमें जाना, और तब दत्तात्रेय आएगा। पहले एक जाके देखते हैं। Just look at this view. बहुत ही amazing है। ऊपर चढ़ने के लिए बोला, वरना वो तो ready भी नहीं था। ठीक है चलो आओ जो भाई भाई। He's scared. मैं scared हूँ। लोगों को देखा है उड़न खटोले में तुम दोनों जो खटोले की तरह बैठा था। मुझे डर लगता है। Otherwise I'm very brave. गोरखनाथ मंदिर और व्यू एज यू कैन सी बहुत ही अमेजिंग है। और गोरखनाथ से पहले ये जो आपको शॉप दिख रही है, दिस इज़ द लार्ज शॉप, कि यहाँ पे आपको पानी मिलेगा। तो अगर आप ऊपर तक जा रहे हो तो मेक श्योर कि यहाँ से आप 3-4 बॉटल लेके जाएं, सस्ता है। छोटी बॉटल 20 रुपये में दे रहे हैं, बढ़िया नहीं। हमने भी 5-6 बॉटल ले ली। मंदिर में दर्शन करते हैं। गोरखनाथ जी का मंदिर ना, गोरख जी गोरखनाथ जी का मंदिर था। अब यहाँ से हम लोग हिम्मत करके और आगे जाने का प्लान कर रहे हैं। मेरी लकड़ी कहाँ गई मम्मी? पंडित जी मेरी लकड़ी कहाँ गई मुझे नहीं पता। लकड़ी भूल गई मेरे लिए क्या था। गोरखनाथ मंदिर से नीचे उतरने के जाना है, और सामने की तरफ कहीं ऊपर चढ़ना भी दिखाई नहीं दे रहा है, बट नीचे उतरना भी बहुत ज़्यादा स्टीप है। सब जगह में ऐसे वादियों वाला व्यू मिल रहा है, और कब से मैं और अंजलि बस इंस्टाग्राम के लिए और वीडियोस फोटोज़ और यू नो रील्स और वो सब बना रहे हैं। सो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। अभी ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ें ले ली हमने शूट में,
हम पहले मम्मी को ढूंढते हैं वो भाग गई, हम लोग फोटो वीडियो ले रहे हैं और वो भाग गई, इसलिए काम करते निकल ही जाती है। अभी हम लोग हैं वो कैमरा रख देते हैं, थोड़ा कवर कर लेते हैं आराम से ज्यादा ही। कैसा लग रहा है आपको यहाँ तक आके? अच्छा लग रहा है, ये तो बुरी हालत, थक गया देना? हालत कैसी है अभी? देखो वहाँ जो तो गेट अच्छा लग रहा, अभी जो वहाँ जो नीचे गेट दिख रहा है ना, वो गेट से 800-900 सीढ़ी और ऊपर चढ़नी है, ठीक है? गेट सामने दिख रहा है, हाँ ऊपर है वहाँ पे, और फिर वहाँ से नीचे आके फिर वहाँ से ये जितना उतर के ना वो सारा चढ़ना भी है हमें। सीढ़ियाँ कम हो जाएंगी, तो अभी हम लोग लास्ट स्टॉप पे आ गए। ये जो आपको सामने दरवाज़ा दिख रहा है, ये द्वार से ऊपर कुछ 800-900 सीढ़ियाँ है, आई थिंक यहाँ पे ऊपर है शायद मंदिर। तो आपको क्या है कि वहाँ ऊपर है, वहाँ से नीचे उतर के यहाँ से वापस चढ़ के यहाँ ऊपर जाना है लास्ट मंदिर तक। हमें लगा नहीं था हम कर पाएंगे, बट बहुत मज़ा आया। बस 800-900 सीढ़ियाँ है, फिर वहाँ से वापस उतर गए, जितना ही उतर के आया वो पूरा चढ़ के जाना है। अब मुझे लगता है ये लास्ट वाला है, इसीलिए बहुत ज्यादा ये है ना, स्टीप है ना, स्टीप है। और ये देखो ये बहुत ज्यादा स्टीप है, लास्ट की जो 700 या फिर 800 जो सीढ़ियां है, इतनी स्टीप तो पूरे रास्ते पे ही नहीं थी। कैसा लग रहा है यहाँ तक चढ़ के? ऐसा लग रहा है मुझे को अवार्ड मिलना चाहिए। हम यहाँ हैं अंजलि की मम्मी, और यहाँ ऊपर जाना है, यहाँ अभी ये पूरा स्लांटेड है और यहाँ तक। और वेदर यार कसम से बहुत ठंडा और बहुत ही मस्त है, यहाँ से नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा है। और ये लकड़ी लेना मत भूलना, 30 रुपये का आता है, तो चढ़ने में बहुत हेल्प करता है, इसके सहारे ना बहुत आसानी से चढ़ सकते हो। बस लास्ट जो स्ट्रेच है वही बचा, 300-400 सीढ़ियाँ है। लास्ट जो टाइम लैप्स आपने देखा बहुत ही अमेजिंग है। कैसा लग रहा है अंजलि? हाउ आर यू फीलिंग? मैं तो आत्मा निकल गई है समझ रहे, आत्मा ये बादलों में घूम होगी, आत्मा बादलों में घूम होगी मेरी, ये डंडा ना छोड़े दोस्तों। मंदिर के हमने दर्शन कर लिए, अंदर कैमरा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं, इसलिए मैंने की नहीं है। दर्शन करके बहुत मज़ा आया, और वेदर है वो भी बहुत ही अमेजिंग है। अब नीचे उतरना है, फिर वापस जो दूसरा मंदिर था वहाँ ऊपर चढ़ना है, फिर वहाँ से रोपवे के लिए जाना है। जल्दी जल्दी नीचे उतरते। तो कैसा लगा तुम दोनों को मंदिर दर्शन करके? ऊपर जाके तो दर्शन करके भगवान जी के बहुत मतलब कि ऐसा लगता है कि पूरी थकान उतर जाती है। वो शूट शूट नहीं कर सकते थे, बट आप भी मांग लो भगवान से जो मांगना है। हमारे ये राम मंदिर, आपको जो भी मांगना है भगवान से भी मांग लो, हमारा आशीर्वाद है आपके अभी सब सफल हो जाए। हम दर्शन करके आ रहे हैं तो हमारा थोड़ा जोर पड़ता है, और वेदर देखो हमें मिलेगा आशीर्वाद तो आपको भी मिलेगा। चलो तो यहाँ पे गुरु दत्तात्रेय का मंदिर है, वहाँ पे एक गेट है जहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं। गेट से लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे आओगे तो यहाँ पे एक आश्रम है सामने, और ऐसा बोलते हैं कि हर मंडे गुरु जी है वो यहाँ पे जोत जलाने आते हैं, और बबूत मिलती है मंडे को और प्रसाद भी मिलता है। तो फॉर्चुनेटली आज मंडे ही है, और
लेके आते हैं लाभ थोड़ा सा। और ये रहा आश्रम। जो मेरे पीछे देख रहे हो उसको बोलते हैं धूनी। यहाँ पे हर मंडे जो है जोत जलती है। अभी प्रसाद हम लोग लेके आए हैं, प्रसाद बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे आप मंडे आ सकते हो, प्रसाद आपको डेली मिलेगा। पर आपको अगर जोत दिखनी है तो वो सिर्फ मंडे होती है। अभी हम बीच में है रोप वे में, और एज यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। आई डोंट नो आपको पता चल रहा होगा नहीं, अभी बहुत ही जोर की बारिश हो रही है। हम लोग बीच में खड़े हैं। अब यहाँ मुझे नहीं पता आपको दिखाई दे रहा है नहीं, पर यहाँ पे नीचे तीन चार रोप वे हैं, तीन चार जो ट्रॉली है वो नीचे भी वहाँ खड़ी है। और हम लोग एकदम मिडल में खड़े हैं और सामने पहाड़ है टेम्पेश्वर। तो अभी बज रहे 3 और फाइनली हम लोग आ चुके हैं नीचे, और हमारा जो रोप वे है वो भी डन। हमारे मोटिवेशन भी नीचे आ चुके हैं। हमें ऐसा लगा था कि रोप वे 100% बंद हो जाएगा। बीच में बंद हो भी गया था क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए बीच में रास्ते में जब रिटायर आ रहे थे तब हम लोग ब्लॉग भी नहीं कर रहे थे। बट फॉर्चुनेटली लाइट आ गई, बारिश थोड़ी कम हो गई, इसलिए रोप वे स्टार्ट हो गया। और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस गांधीनगर। कैसी रही ट्रिप? दिखा लेता हूँ, पर कैसी रही ट्रिप? बहुत मस्त थी, बहुत मस्त। और हमें दिमाग में बिल्कुल नहीं था 5% भी कि हम वहाँ ऊपर तक जाके आ जाएंगे दत्तात्रेय तक, पर हम जाके आ गए। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि वहाँ तक हम जा पाए। सो फाइनली व्लॉग एंड कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ज्यादा बंदर थे, इसलिए व्लॉग एंड नहीं कर पाए। एक दो तो शायद छीनने भी आ गए थे, छीन लेते GoPro। और आप फेस पे पता चल गया होगा कि हालत बहुत खराब हो चुकी है। हमें भी नहीं यकीन था कि हम दत्तात्रेय तक ऊपर जाके आ जाएंगे, गुरु शिखर जिसको बोलते हैं। बट वी डिड इट। 3500 के टाइप स्टेप्स थे, मे बी ज़्यादा भी हो सकता है, आई डोंट नो। रोप वे से वहाँ तक हम लोग चढ़ के वापस उतर के भी आए। 3.5 घंटे में किया, 3.5 घंटे में किया। और बारिश थी, मौसम बहुत अच्छा था, ठंडा था, पूरे बादल वादल थे, हमने व्लॉग में देखा ही होगा। तो डेफिनेटली आप विंटर के टाइम पे आओगे तो आपको और मजा आएगा। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, दैट्स इट फॉर दिस जूनागढ़ सीरीज। आपको ये पसंद आई सीरीज देन प्लीज हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करें, ऑल्सो द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जो नेक्स्ट सीरीज लाए हो, नेक्स्ट व्लॉग लाए हो, उसके आपको सबसे पहले अपडेट मिले। एंड वी विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।